शिवपुरी में कड़ाके की ठंड, मिनी शिमला में तब्दील हुई शिवपुरी। लोग बोले भैया ऐसी ठंड हमने नहीं देखी, 3 दिन से नहीं हुए भगवान सूर्य के दर्शन। शिवपुरी जिले में इस समय कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। यही हालत है कि 3 दिन से तो भगवान सूरज के दर्शन नहीं हुए। लोगों का कहना है कि हमने तो वर्षों से ऐसी ठंड नहीं देखी। मंगलवार को लगातार तीसरे रोज सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। लोगों का कहना था कि हम तो सुबह से ही ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं। मंगलवार को सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। मंगलवार को स्थिति यह रही कि सुबह कोहरे के कारण सड़क पर 50 मीटर दूरी का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दुर्घटना से बचने के फेर में वाहन चालक दिन में भी लाइट जलाकर चल रहे थे ताकि कोहरे की धुंध में उनके वाहन की लाइट सामने से आने वाले दूसरे वाहन को नजर आ जाए तथा हादसा ना हो। शिवपुरी जिले में कड़ाके की सर्दी के बीच जहां आमजन की हालत खराब है, वहीं ये मौसम दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि घर के बुजुर्ग व बच्चों के लिए ये ठंड काफी खतरनाक है, इसलिए वह बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं। सीपी सर में कैसी सर्दी पड़ रही है? बहुत सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड, कोहरा कोहरा से ज्यादा है, कोहरा से ज्यादा है। शाम का घना कोहरा, सुबह का भी घना कोहरा। बारिश भी हुई थी कल बारिश हुई थी हल्की। तो बारिश से कितना असर पड़ा सर्दी पे? फिर कम पड़ा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रजापति। आज आपको आग से तापना पड़ रहा है? हाँ। सीपी शहर में ज़्यादा सर्दी है क्या? बहुत ज़्यादा ही है, और कोहरा सुबह शाम बहुत आ रहा है, ओस गिर रही है यहाँ पर सुपरी में, अच्छे ज़्यादा है। और पानी की कल बारिश हुई थी, बहुत कम हुई थी, पर ठंड तो बढ़ती चल रही है। कड़ाके की सर्दी है? कड़ाके की सर्दी। तो बिना आग के सारा नहीं हो पा रहा? आग के बिना तो रह पा रहे हैं, आग बिना कुछ नहीं रह पाएंगे नहीं।